वेलकम टू माय स्पोर्ट्स YouTube चैनल। मैं शांतित कहते हैं, मैं फराज मेरे साथ मौजूद है सऊद। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ जो कि आप रमजानों के बीच में एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज की डेट्स निकल के सामने आ रही हैं और पाकिस्तान के स्क्वाड्स में क्या क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी न्यू कोच बन गए, किसके कोच बने उस पर भी बात करेंगे। लास्ट में बात करेंगे रमीज राजा ने उमर अकमल के लिए कुछ तारीखी वर्ड्स कहे उससे भी बात करेंगे। उससे पहले क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो पोस्ट का नोटिफिकेशन आप तक आए। देखोगे तो जरूर क्रिकेट से क्रिकेट तक सब्सक्राइब लाजमी करें, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी मोटिवेशन। तो सब रमजान भी फुल क्रिकेट वाला होने जा रहा है। देखो रमजान भी फुल क्रिकेट होने वाली है, मजेदार क्रिकेट होने वाली है। होम सीरीज भी है, अवे सीरीज भी है, मजा आएगा। अफगानिस्तान से भी, हमारी न्यूजीलैंड से भी है। उसी हवाले से खबरें निकल कर आ रही है फराज, बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। अब मैं कहां बात करूं, क्या करूं। खुशखबरी है, अच्छी बात है, रमजान भी हमारे रातें तो अच्छी जाती जाती है, दिन भी अच्छे जाते हैं, लेकिन रातें होने जा रही है और मजेदार क्रिकेट के संग। बिल्कुल सऊद, रमजान के पहले वीक में अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की T20 सीरीज स्केड्यूल जो अनाउंस किया जाने वाला है कुछ ही दिनों में आपके सामने निकल के सामने शेड्यूल 23-24 ज्यादातर 23 मार्च को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, क्योंकि 23 मार्च को पाकिस्तान में भी तकरीबन छुट्टी होती है। तो इस वजह से ज्यादातर 23 मार्च को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। और मेरे ख्याल से मैं भी कोई इसको ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दे, क्योंकि रमीज राजा ने यही कहा था शेयर्स वगैरह के इस पे भी एशियन क्रिकेट काउंसिल शेयर्स भी आधा आधा है, आधा आधा प्रॉफिट है, ये एक अच्छी बात है। देखें मैं पता क्या चाहता हूँ, 23 तारीख को ना हो, क्योंकि 23 तारीख को पहला रोजा है। 23 तारीख जब पहला रोजा हो ना तो सिर्फ और सिर्फ रोजे और इबादत की तरफ फोकस होना चाहिए। अगर मैच आ जाएगा ना तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि 25-26 मार्च से शुरू करें। देखो 25-26 मार्च से होते हैं ज्यादा बेहतर है, लेकिन 23 तारीख का फर्ज आपका कंफर्म भी नहीं है कि रोजा है या नहीं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि आप भी चांद रात जरूर है, पहली तरावी जरूर होगी। ये बात तो कंफर्म है कि आप रोजा रखें या ना रखें, पर तरावी तो कंफर्म होने वाली है। जब तरावी के टाइम पे मैच होगा तो फिर मामला खराब है। पर सऊद यहाँ पे एक बात ये भी है कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा, क्योंकि इस PSL में हमें ऐसी सी फाइन मिली है जो हमारे पुराने कारतूस से वो तो हुए फ्लॉप, जैसे इफ्तिखार अहमद हो गए, नवाज हो गए, शादाब हो गए, काफी फ्लॉप हुए हैं, ठीक है, पर यहाँ पे निकल के भी सामने आए। आजम खान हो गए, इमाद वसीम हो गए, एहसान उल्ला हो गए, बहुत डिफरेंट हो गए। देखो फराज बात ये, PCB और जो टीम मैनेजमेंट है, हारून रशीद चीफ सिलेक्टर है आपके, उन्होंने सर जोड़ के बैठे हुए, वो काफी अंदर की खबरें निकल कर आ रही है। एहसान उल्ला हो गए आपके और आजम खान हो गए, इमाद वसीम जो अगर हम कहते हैं आगे पहुंचते तो ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन खैर इनका साथ किसी ने दिया। आपके ये हो गए हसनुल्ला, आजम खान, इमाद वसीम और साइम अय्यूब, तो ये होने चाह रहे। उमर अकमल तो मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि उनकी कोई खबरें अपडेट नहीं आ रही, कोई खास खबरें नहीं है। ये चार प्लेयर ऐसे है कि इनको देखा जा रहा है PCB की तरफ से। एक और अंदर की खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से शादाब खान मिस कर रहे हैं और डबल डबल थ्योरी निकल कर आ रही है कि शादाब खान का अंगूठा फ्रैक्चर है, तो PCB ये चाहता है कि शादाब खान को लेके रिस्क ना लें, क्योंकि अभी वो फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं। फ्रेंचाइज वाले प्लेयर को रेस्ट नहीं देते, वो तो गधा बना देते हैं, बस खेलो तुमने खेलना है। पर यहाँ पे पाकिस्तान की बात है, पैसा लगा हुआ है ना, पैसा वसूल करना है, पैसा वसूल करना है। पर यहाँ पे बात ऐसी कि पाकिस्तान है, अब यहाँ पे शादाब खान हमें वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम शादाब खान को रेस्ट भी दे देते हैं ना T20 में, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम वहाँ पे इमाद और नवाज को साथ भी खिला सकते हैं। देखो डबल बैटिंग ऑप्शन, बिल्कुल नवाज को रख लो, आपके चाचा है यहाँ पे इफ्तिखार अहमद है, नवाज, इमाद वसीम, ठीक है, ऐसे प्लेयर आपके पास मौजूद है, मोहम्मद हारिस। मैं समझता हूँ फराज अब आपकी T20 टीम होनी चाहिए बिल्कुल चेंज, यंगस्टर को आपको देना चाहिए चांस। हारिस राव को रेस दें, मैं तो कहता हूँ शाइन को भी रेस दें, शाइन इस साल T20 का नहीं है, वनडे में चांस और टेस्ट में आप शाइन को भी रेस दो, रऊफ को भी रेस दो, आपके पास यंगस्टर माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे निकल कर आया, आप नसीम शाह को खिलाओ, क्योंकि उनको भी सीखना है। नसीम शाह है, हसनुल्लाह है, मोहम्मद हसनैन है, उसके बाद जमान खान है। आप यार जमान खान की कोई बात नहीं करता यार, देखो यार प्यारा प्लेयर है यार, आप जमान खान को लाओ। इसके अलावा भी अब्बास अफरीदी है, इतने सारे दे रहा है, मुल्तान भी आपको दे रहा है 2-3 बॉलर, आपके लाहौर भी आपको एक बॉलर दे रहा है कब से, जो आप लेना ही नहीं चाह रहे, तो काफी सारे हैं। एक बात तो कंफर्म मैं आपको बता दूं, जो अंदर की खबर निकल कर आ रही है वो ये खबर है कि इमाद वसीम और आजम खान ये 100% आ रहे हैं। आजम खान को इसलिए देखा जा रहा है जिस तरीके से उन्होंने इस PSL में तबरेज शमसी, इमाद वसीम, टॉप क्लास के स्पिनरों को जैसे मारा है ना, और वो जैसे स्पिनर को खेल रहे हैं,
तो पीसीबी और टीम मैनेजमेंट देख रही है कि जिस तरीके से ये लड़का स्पिनर खेल रहा है, हमारे बाबर आजम फंस जाते हैं स्पिनर के खिलाफ। पाकिस्तान की कमजोरी है, पाकिस्तानी ज्यादा जैसे राशिद खान जैसा स्पिनर आ जाता है फंस जाता है, तो वो ऐसे स्पिनर को खेल रहा है, तबरेज शमसी जैसा आ जाता है फंस जाता है। ये ज्यादा ना पेसर खेल सकते, ठीक है, ना ज्यादा स्विंग खेल सकते। तो अब ऐसा प्लेयर जब आपके पास है तो देखा तो जाएगा, बिल्कुल। और आपको भी बता रहा हूं जैसे फास्ट बॉलर को स्वीप मार के छक्का मारा तो आम बात को ये, अब देखना पड़ेगा कि क्या होती है सिचुएशन। ये स्क्वाड क्या 4 बिग प्लेयर आपकी एंट्री करने जा रहे हैं अफगानिस्तान स्क्वाड में, बिल्कुल। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है साउथ अफ्रीका ने अपना न्यू हेड कोच और कप्तान अनाउंस कर दिया है, कोच है जेपी डुमिनी और बैट्स कप्तान है एडन मार्करम। देखो ये अच्छी उनकी जेपी डुमिनी है, मुझे समझ नहीं आया आपके पास इतना एग्रेशन वाला प्लेयर है, दुनिया उसको 360 कहती है, उसको आपको बनाना चाहिए यार, वो खुद लेना नहीं चाहते। देखो ऑफर की थी अच्छी बात है, आपके पास फार डुप्लीसी तो आपने उसका करियर ही बर्बाद नहीं, वो उन्होंने रिटायरमेंट नहीं दी, मतलब बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। उनकी कहानी ऐसी जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में आमिर की और इमाद की है ना, वहाँ पे फार डुप्लीसी, वहाँ पे जो है कालो को ज्यादा दर्जा दिया जाता है, बोरो को नहीं। तो यही वजह है कि डिविलियर को बस एक पूछा था, बिल्कुल उनको ज्यादा फोर्स नहीं किया, फोर्स करते यार क्या नहीं बनते। अब देखना पड़ेगा कि जेपी डुमिनी साउथ अफ्रीका के लिए क्या करते हैं, बता दूं कि जेपी परमानेंट बना दिया है, परमानेंट बना दिया है, वाइट बॉल, वाइट बॉल, रेड बॉल में उनका कोच भी अलग होगा और उनका कप्तान भी अलग होगा। एडन मार्करम को इसलिए बनाया गया है, वो जो ऐसे T20 लीग हुई थी उसमें उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनाया, तो इस बिना पे बना दिया। खैर देखते हैं, अच्छे प्लेयर है, अग्रेशन वाले प्लेयर है। उसका रिवॉर्ड ये भी मिला है कि उनको आईपीएल की टीम का भी कप्तान बना दिया, सनराइजर्स हैदराबाद का। तो ये देख लो कि अगर आप कप्तान के एक ट्रॉफी जितवा दो तो आपकी लॉटरी लग जाती है। इंडिया में एक बुरी बात ये चल रही है, आपके आईपीएल हो रहा है, WPL हो रहा है आपका, उसमें आपने बाहर मुल्की को आपने बनाया हुआ है, बिल्कुल कैप्टन आप अपना ही रखो, क्योंकि आपका कप्तान होगा तो आपकी क्रिकेट और स्ट्रांग होगी। अब जैसे इन्होंने एडम मार्करम को बना दिया, नहीं वहां मैं समझता हूँ किसी और को बनाना चाहिए, ये शुरू से चलता हुआ भुवनेश्वर कुमार है वहाँ पे काफी है, तो अब देखो शाहिन शाह लगता था आपको कर ले गए, सुहेल अख्तर ही थे उससे पहले, अख्तर ही थे, लेकिन शाहिन शाह कर लिया ना, इस तरह ट्रॉफी जितवा भी दी, क्योंकि अभी भी टॉप पे बैठे हैं, अभी टॉप पे बैठे, कैप्टन कैप्टन होता है, जब कैप्टन बनते हैं तो जिम्मेदारी पड़ती है और करते हैं, यही लीग होती है जो आपकी टीम में आपको नजर होगा कि हाँ यार ये है कि ये इसके बाद रोहित के बाद ये कैप्टन बनेगा, बिल्कुल। चले हम बाबर के बाद हम बोले शाइन है हमारे पास, इमाद शदाब है, शदाब है, रिजवान है, हमारे पास इस वक्त वाइड बॉल में कप्तानों की कमी नहीं है, अगर होनी चाहिए मुझे थोड़ी रेड बॉल में थोड़ी परेशानी है। मैं चाहता हूं जाती जिंदगी से यही चाहता हूं कि इंडियन क्रिकेट भी अच्छी क्रिकेट है, वो भी अपने कैप्टन बनाए अपने टीम के और वो भी आगे जाए, बिल्कुल। कैप खिलाड़ी उनके पास बहुत अच्छे हैं, अच्छा। कप्तान नजर नहीं आ रहे, क्योंकि रोहित शर्मा कितना खेल लेंगे, 2 साल खेल लेंगे, पर हमारे पास जो प्लेयर हार्दिक पांड्या T20 कर लेंगे, हमारे पास जो प्लेयर है वो 10-10 साल उनके पास अभी टाइम है, बिल्कुल। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है रमेश राजा के हवाले से, रमेश राजा ने कहा है कि उमर अकमल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच विनर है, पर वेस्ट इंडीज, देखो वेस्ट इंडीज तो हो गए, और वेस्ट इंडीज अगर ये रमेश राजा आपके 3 साल रहे ना, बिल्कुल 3 साल रहे, उन्होंने 3 साल में बड़ी रिक्वेस्ट है की, बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे लाओ मुझे खिलाओ, उन्होंने यहाँ तक के अमेरिका से ऑफर आई थी वो ऑफर उन्होंने ठुकरा दी, बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मैं खेलना है तो पाकिस्तान में खेलना है वरना नहीं। आप 3 साल पहले जब उमर अकमल रिक्वेस्ट कर रहे थे या आपके जाने से 2 महीने पहले रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे रमेश राजा से मिलना है, जब आप कहाँ थे? देखो मैं आपको एक बताऊँ, रमेश राजा के 2 साल में उनके ऊपर बैन लगा हुआ था, वो जो उनकी स्पॉट फिक्सिंग में आया था 2 साल, तो उसमें निकले, फिर उसके बाद भी इनका रिहैब वगैरह चला 6-7 महीने उसमें चले, रमेश राजा की चेयरमैनशिप में उन्होंने सिर्फ 6 महीने के लिए। चलो एक बात मैं आपको बताऊं, स्पॉट फिक्सिंग का लगा होता ना उन पे, अगर ये चेयरमैन होते तो ये क्लियर ही बात पता क्या बोलते, नहीं तो एक ही राय है कि जिसने नाम खराब कर लिया वो टीम में नहीं आएगा। आज ये अपने यूट्यूब चैनल चलाने के चक्कर में ऐसी हाइप बना रहे कि लोग उनकी तरफ जमा हो, रश लगे और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, यार ये दोगले पॉलिसी है। चले वो आप दोगली पॉलिसी तो बोल रहे हो, लेकिन उमर अकमल इस बात से एग्री करता हूं, पर इस बार रमेश राजा की इस बात से भी एग्री करता हूं कि वाकई में पाकिस्तान का बड़ा मैच विनर है, क्वेटा ने जाया किया है। यार आप एक बात बताओ, क्वेटा में कौन सा प्लेयर है जिसने परफॉर्मेंस करके दिया? किसी ने नहीं की, अभी तक 7 मैच खेल चुकी है, मैं भी 7 मैचों में आपने उसको सिर्फ 2 से 3 मैच खिलाया, जब आपकी टीम सही नहीं कर रही तो वो अकेला क्या करेगा? क्या कर लेगा ये बताओ आप। देखो कल
किसी ने साथ लगाया, सारा लगाया, उसने आके फिनिश अच्छा किया। 14 बोलो में 44 रन मार दिए, बहुत बड़ी बात होती है। छक्के 5 छक्के मारे और काफी अच्छी बिग हिट मारी है। बिल्कुल बिल्कुल, फिनिशिंग अच्छा रोल नजर आ रहा था और निक में नजर आ रहे थे कि हमें 2010 वाला मुबारक में नजर आ रहा। और बहरहाल खैर इनकी भी मुझे अब टीम में जगह नजर नहीं आ रही, क्योंकि आजम खान, इमाद वसीम जिस तरह टीम में जगह बना रहे ना, तो मुझे तो नहीं लगता आजम खान इनकी जगह ले रहे लेना चाहिए।